इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं? तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको हम राइट साइड में सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, राइट सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे कैसे, मान लो एक बाइनरी मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो यहाँ पे हम ये मान लें कि मान लो इस मिक्सचर के अंदर एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए हैं और एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ए का हम निकालेंगे, तो मैंने बताया कि इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट करते हैं एक्स से और इसकी राइट साइड में जो सबस्क्रिप्ट होगा वो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, जैसे ए का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स ए। तो एक्स ए लिख दिया तो ये क्या डिनोट करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ओके, अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, क्योंकि हमने बताया था कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर दो ही कंपोनेंट हैं, ए और बी। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर कोई मिक्सचर आपके पास ऐसा हो जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट हो, मोर देन टू कंपोनेंट हो, मान लो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आइथ नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो वहां पे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कंपोनेंट आई के लिए। मान लो कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, थ्री, इन दिस वे देयर आर आइथ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो आई कंपोनेंट है उसके लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू, एंड जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब डेफिनेशन क्या आ गई हमारे पास, फॉर्मूला क्या आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। अब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जैसे कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम देखेंगे तो वो सम जो है वन के इक्वल होता है। तो सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। जैसे हमने एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री शोन, अगर हमारे पास nth नंबर ऑफ कंपोनेंट है एक्स एन, इन सभी मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो वन के इक्वल होगा, दैट इज यूनिटी। अच्छा, इस मोल फ्रैक्शन का यूज कहाँ पे होता है? जैसे हमारे सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें रिलेट करनी है। जैसे हमें ये बताना है कि जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है और वेपर प्रेशर है इनके बीच में क्या रिलेशन है, तब हम मोल फ्रैक्शन की टर्म यूज करते हैं। दूसरा, मान लो हमारे पास गैसियस मिक्सचर है, तो गैसियस मिक्सचर में हमें कैलकुलेशन जब निकालनी होती है तो वी यूज द टर्म मोल फ्रैक्शन। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।